आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद हवे में। यदि आप यूपी पेट या यूपी लेखपाल या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपी पेट के लिए मैं वीडियो ला रहा हूं, तो आपका एग्ज़ाम निकट होगा। तो देखिए, ये जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हिंदी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आज संधि लाया हूँ। यदि आपको संधि का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप लोग, मैं देखिए 20-20 क्वेश्चन का लाऊँगा ताकि आप लोगों को बोर भी ना होके और आराम से करते जाएँ। थोड़ा सा मैं कारण भी बताऊँगा, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे पहला हम लोगों से एक पूछा है क्वेश्चन कि पुनर्जन्म, ठीक, ये इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद है। देखिए, हम लोगों के सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसमें से एक टिक कर लीजिए, फिर लास्ट में काउंट कर लीजिए कितना सही किए हैं आप। तो देखिए, एक अब उसके बाद हो सकता है आप कर लिए हो। देखिए, इसमें पुनः प्लस जन्म, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक। इसमें जो है ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, देखिए 2013 टेट में और 2014 में, महर्षि एक शब्द है, इसमें पूछा है कौन सा संधि है, ठीक। तो महर्षि, देखिए ध्यान से, महर्षि में कौन सा संधि है। देखिए, चारों ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको एक बताना है। तो देखिए, महर्षि में जो संधि हमारी है गुण संधि है। अब वो कैसे गुण संधि है देख लीजिए, महाधन ऋषि, तो इससे महर्षि बनता है। ये भी देखिए 2013 में पूछा गया है। तो फिर उल्लास पूछ रहा है, उल्लास में उल्लास का संधि विच्छेद का होगा। तो देखिए, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, देखिए ल वाला तो एक को नहीं होंगे, कौन वाला होगा, यही डी वाला, उत्त प्लस लास, ये भी 2013 में यूपी टेट में पूछा। इस तरह के मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। देखिए, ये बहुत ही खास है और ये पूछ भी लेता है एग्जाम में हमेशा, यश प्लस दा तो क्या बनेगा, आपको बताना है। देखिए, तो यशोदा बनेगा ही नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता, ये भी नहीं, तो बता क्या हमारा, यशोदा बी वाला ऑप्शन सही है, ये हरियाणा टेट में पूछा गया। हाँ देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है हम लोग सामने। तो देखिए, ये पूछा है हमसे कि इसमें से जो है वो कौन सा सही है इन चारों में से। तो देखिए, औक्षणिक को पूछा है, तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तो इसका सही हमारा बी, ठीक, अच प्लस उहनी, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। बच्चे इसी में से कोई एक सही करेंगे, लेकिन ये सब गलत, ये वाला सही है। तो आप लोगों को हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो सबसे थोड़ा सा अलग ही मिलेगा और आप लोगों को मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा इसको करने के बाद। तो देखिए, छठवां हम लोगों से पूछा है इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है। तो देखिए, इत्यादि ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इति प्लस आदि, तो देखिए इसमें हमारी संधि जो है यण संधि है, ठीक। और फिर आगे चलते हैं, देखिए आगे प्रैक्टिस पूछा है, हाँ देखिए ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ जाता है, पूछा है छ किसके योग से बना है, जो हमारा छ पूछा है, छ किसके योग से बना है। तो देखिए, जो हमारा छ है वो बना है क प्लस स से। इसी तरह फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सामने है, देखिए गुंडा केस, ये देखिए गुंडा केस का संधि विच्छेद हमसे पूछा है। तो देखिए, गुंडा केस का जो संधि विच्छेद होगा देख लीजिए ए बी सी डी में से, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रुक जाइए, ए हाँ, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, गुड़ाका प्लस ईस, ठीक, अब तक नहीं आप जानते होंगे लेकिन आज जान गए होंगे, ठीक। और फिर अगले चलते हैं, देखिए निर्गुण में पूछा है, तो निर्गुण में बताइए आप कौन सा होगा। तो आप लोगों के सामने चारों ऑप्शन हैं, एक टिक कर लीजिए। तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी से नि प्लस गुण विसर्ग संधि। और आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका यूपी पेट में गारंटी के साथ निकलवा सकता हूँ। बस आप मेरे आप तैयारी किसी चैनल पर कीजिए, बस आके मेरे चैनल से प्रैक्टिस सेट मारिए,
आपकी तैयारी धुआंधार हो जाएगी पूरा। और देखिए इसमें पूछा किस शब्द का गुण संधि है, तो देखिए ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो देखिए इन चारों में से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो इसका बी सही है। ठीक, गुण संधि भारत प्लस हिंदू में है, ठीक, बाकी सब में गुण संधि नहीं है। और फिर आगे देख लीजिए, जगन्नाथ, जगन्नाथ में हमसे पूछा है किस संधि का उदाहरण है, तो देखिए जगन्नाथ का जो संधि भी जगत प्लस नाथ, तो इसमें हमारा होता है व्यंजन संधि। ठीक, क्योंकि त तो बनता है फिर नाथ हो जाता है, तो दोनों व्यंजन वाले तो व्यंजन। ठीक, फिर आगे देखिए पवन, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो देखिए पवन का जो संधि विच्छेद है वो क्या है, देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग एक टिक कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए इसका होगा हमारा संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन। ठीक, फिर इसके बाद अगला चलते हैं व्याप्त, व्याप्त में पूछा है कि क्या होगा, तो देखिए व्याप्त जो हमसे पूछा है इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा, आप संधि विच्छेद कर लीजिए, इसके लिए हमारा ऑप्शन है सी। ठीक, और फिर आगे चलते हैं, आगे हमसे पूछा है महाधन उदय में कौन सा संधि बनेगा, तो देखिए एक कौन सा संधि विच्छेद होगा, महोदय, ये वाला सही है। और फिर देखिए अगला, अगला देखिए सद्भावना, सद्भावना का संधि विच्छेद करना है, तो टाक दे आप देख लीजिए चारों ऑप्शनों को, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द का त बन जाता है संधि में, तो ठीक ना, तो सत प्लस भावना। फिर अगला देखिए वृक्ष छाया, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा होगा संधि विच्छेद, तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, वृक्ष प्लस छाया, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वही ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। भानुदय, देखिए अब इसमें आप मात्रा से गलती होगी, सब उसी तरह लिखा है, तो देखिए भानुदय में जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और फिर आगे पूछा है हमसे 18वां में कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद लिखिए, देखिए सही संधि विच्छेद पूछा है, तो इसमें से एकदम सिंपल है, परम प्लस आत्मा, दो ऑप्शन हमारे गायब हो चुके हैं, यही परमात्मा सही है, बाकी सब परमात्मा के गलत गलत उदाहरण हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो, अगर अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, यूपी पेट और जितने भी यूपी संबंधित एग्ज़ाम या जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, हिंदी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बस मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, अथेंटिक टेट पेट जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए, एक ही हिंदी एक ही बार पूरा क्लास, तो आप सिर्फ हमारे चैनल पर आके प्रैक्टिस सेट मारिए, तैयारी कहीं से कीजिए, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा वो सब एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं, और आने वाले एग्ज़ाम में वहीं से पूछा जाएगा, उससे बाहर से अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन आप पहले पूरा प्रैक्टिस सेट देख देख के जाइए, अभी ये पार्ट वन है, देखते हैं इसके कितने पार्ट बनते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का सलेक्शन हो जाए यही दिल से आशा है, और सलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे दिल से दुआ है कि आपके सलेक्शन हो ही जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।